तो आज यहाँ से ना मैं अपनी कबर्ड जो है उसको नीट एंड क्लीन करने लगी हूँ। यहाँ पे बहुत सारा मेस है। इस कबर्ड को ना मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, यानी बस इधर कोई फ्रेंड्स ने चीज़ें दे दी, कोई मेरे पेपर्स हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें रख देती हूँ। बाकी जी सारा दिन अम्मी की अलमारी हम लोग यूज़ करते रहते हैं। तो ये मैंने अपनी कबर्ड ओपन की है, तो अभी मैं इस सारे मेस को क्लीन करूँगी, फिर आप लोगों को भी दिखाऊँगी साथ साथ। अब यहाँ पर ना ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ पे, ये सारा आप लोग देख लो, फूल वगैरह हैं, ठीक है, जो मेरी फ्रेंड्स ने दिए कहीं से आए, ठीक है, वो मैंने सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। और जो कुछ मेरे फियांसे वगैरह ने भेजे, ठीक है, वो भी मैंने ये इस बॉक्स में रखे हुए हैं, वो मैंने फेंके नहीं हरगिज़ भी। ये मेरी प्यारी सी फ्रेंड है उमे लैला, ये मुझे उमे लैला ने दिया था। थैंक यू सो मच उमे लैला। ये मुझे आज भी याद है कि तुमने मुझे ना बड़े प्यार से ला के दिया था। जो उमे लैला थी ना भाई, इसको पता था कि इसको फूलों से किस कदर मोहब्बत है, तो वो मेरे लिए जो ना फूल वगैरह लेकर आती रहती थी। और ये भी फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये मैंने सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। मुझे ना किसी चीज़ें फेंकना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने कहा अब शादी होने वाली है, तो शादी से पहले मैं ये पूरी अलमारी को नीट एंड क्लीन करके इसको छोड़ जाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं इस वाली रैक को साफ़ नहीं करी, क्योंकि इसके अंदर अहदीस पड़ी हुई है, कुरान मजीद पड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा कुरान मजीद है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। अभी मैं बावजू नहीं हूँ, जब मैं वजू करूँगी ना, फिर मैं इसको सारे को क्लीन कर दूँगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि निकालने वाली हैं वो मैंने निकाल दी है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरी फ्रेंड का कार्ड है मेरे पास, ये देखें, मेरी फ्रेंड मरवा ने मुझे ये कार्ड दिया था, बर्थडे कार्ड दिया था। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, तो मैं आप लोग को साथ साथ दिखा दूँ। ओके, मैं दिखाती हूँ आप लोग को साथ साथ ना। देयर वी गो, मरवा यार निकल जा, सॉरी थोड़ा सा फट गया। ये देखें किस कदर खूबसूरत कार्ड है, ये मेरी फ्रेंड मरवा ने दिया था, थैंक यू सो मच मरवा। और ये देखें इसने लिखा कितना खूबसूरत हुआ है, ये आप लोग पॉज करके पढ़ लो कि सबके बन के रहो तुम सबके दिल की राजकुमारी, आई लव इट, फ्रॉम मरवा, थैंक यू सो मच मरवा। ये बहुत प्यारा कार्ड है, इसको मैंने संभाल के रखा है। इसके अलावा यहाँ पे ना मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, एनवलप्स दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने एनवलप्स जो है ना उनको संभाल के रखा हुआ है, ये मेरी ना मंगनी पर मुझे एनवलप्स मिले। अच्छा, मैं सारे ना आपको बाद में दिखाऊंगी, जो तो चीज़ें मुझे मिलेगी ना कि मेमोरेबल हैं, आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैं आपको सारी दिखाऊंगी। लेकिन पहले मैं ये कबर्ड सारी जो है ना नीट एंड क्लीन कर लूँ, एडजस्ट कर लूँ सारा कुछ, तो फिर दिखाती हूँ। यार यहाँ पे काफ़ी सारा मेस क्रिएट हो गया, ठीक है, ये देखो सारा, लेकिन मैंने काफ़ी सारा संभाल भी दिया है। ये अभी मेरे कुछ ना पेपर्स पड़े हुए हैं, जब मैं इंटर में थी, मैट्रिक में थी, वो सारे पेपर्स इसके अंदर हैं, वो सारे मैं जो है आई थिंक जला दूंगी, थोड़े से रख दूंगी, कभी मेमोरीज याद आती हैं। इलामिक बाद स्कूल की कॉपी थी। अच्छा, ये जो आपको ग्लिटर्स नजर आ रहे हैं, ग्लिटर पेन, ये ग्लिटर पेन मुझे मेरी टीचर ने दिए थे, जिनका नाम है मैम सुहेरा, ठीक है, उन्होंने मुझे दिए थे। बाहर से उनके कोई रिलेटिव शायद लेकर आए थे, तो उनके पास थे, तो उन्होंने ये पूरी क्लास में सिर्फ मुझे दिए कि ये मैं आपके लिए लेकर आई। मैंने कहा थैंक यू सो मच। अच्छा, वो मेरे से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो इवन अभी वो मुझे पढ़ा भी नहीं थी, वो दूसरी क्लास में थी, मैं दूसरी क्लास में थी, ठीक है, उन्होंने मुझे दूसरी क्लास से बुलाकर स्पेशल ये मुझे ग्लिटर पेन्स दिए थे। सो थैंक यू सो मच मैम सुहेरा। अच्छा, ये जो कि आपको दिख रही है मेरी फ्रेंड हाइका ने मुझे दी थी, मैं निकाल के दिखाती हूँ। आई थिंक ये कीचेन टाइप था कुछ, ये देखो, ये मुझे मेरी फ्रेंड हाइका ने दिया था, देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने इसको भी संभाल के रखा हुआ था। इसके अलावा ये मेरी डायरी थी, किसी वक्त बड़ा शौक था किसी ज़माने में डायरी लिखने का, तो ये भी मेरी डायरी मुझे दिख रही है, ठीक है, ये है आई थिंक सो, ये टीचर्स की ऑटोग्राफ वगैरह की होगी। खैर, ये निकाला है कुछ सामान, कुछ सामान ये निकाला है, ये जी मिनी सो का मैट लूज सेटिंग पाउडर था, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, समिया ने, थैंक यू समिया। आज मेरी फ्रेंड से कहने इसको आज याद आ रहा है, थैंक यू करना इनसे खुल नहीं रहा। खैर, ये समिया ने मुझे सेटिंग पाउडर दिया था और मैंने यूज़ भी किया है, और इसको रखते हैं जी साइड में। ये जी पेन के नहीं, फेक नेल्स हैं, ये मेरे अब्बा जान लेकर आए थे एक दफ़ा जापान से, ठीक है, तो ये तब के पड़े हैं और मैंने एक दफ़ा बस इस्तेमाल किए हैं जापान से लेकर आए थे, तो मैंने कहा ये एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर मैंने किए भी थे, दूसरी दफ़ा यूज़ किए थे, बट मुझे ना एक फेक नेल्स लगाने का शौक नहीं है, तो ये मैंने तब के रखे भी हुए हैं, ठीक है। ये इसकी पैकेजिंग है लूज़ पाउडर की। और जी इसके अलावा अब काफ़ी सारी फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी सारा कुछ दिया हुआ है, तो निमरा मेरी एक फ्रेंड होती थी, निमरा होती थी, समिया होती थी, उमेलाला होती थी, नयाब होती थी, मरवा होती थी और किरण होती थी, सब ने हमने मिलकर जो है भाई साहब अपने यूनिवर्सिटी लेवल में बहुत इंजॉय किया, ठीक है। खैर जी, थैंक यू सब लोगों का, और ना मुझे सबसे बहुत प्यार मिला है, सारी फ्रेंड्स थे सबसे, और मज़ा आया था। अब जो है सारी मैंने मेमोरीज रिकॉल की और मुझे खुद बड़ा मज़ा आ गया। ये मेरे पास एक कंसीलर पड़ा हुआ है पार्टी क्वीन का, ठीक है, और ये मैंने कंसीलर हार्डली वन टाइम यूज़ किया हुआ होगा, ये जी कंसीलर है पार्टी क्वीन का, और ना इसका शेड डार्क हो गया, वो डार्क इसलिए हो गया इसका शेड बिकॉज मैंने ना इसको यूज़ नहीं किया, एक्सपायर हो गया, इसका शेड इतना डार्क हो गया है, ये पार्टी क्वीन फ्रांस लिखा हुआ है। तो खैर, ये मैंने लिया था बड़े शौक से कि कंसील करूंगी, मैंने इसकी काफ़ी हाइप सुनी थी, बट मैंने एक दफ़ा यूज़ किया और मुझे कुछ इसका खासा वो नहीं मिला, रिजल्ट मिला नहीं मिला ना। अच्छा, ये कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ पार्टी उसका ना, कभी कभी यूज़ करती हूँ, सिमाना कॉस्मेटिक्स का, बहुत bomb.com है, मेरे पापा लेकर आते हैं, मेरी अम्मी लेकर आई थी थाईलैंड से, तब से वो पड़ा हुआ है, तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, तो वो बहुत बेस्ट कंसीलर, अगर आपको यहाँ कहीं से किसी रिटेलर से मिले सिवाना कॉस्मेटिक्स का, तो आप लाजमी बाय कर लेना, वो बहुत अच्छा क्रीमी कंसीलर, हाई कवरेज। तो ये एक मुझे कार्ड मिला है, ये मेरी जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है ना, उसने शादी से पहले लिखा था, ये तकरीबन कोई सात साल पुराना है, ठीक है, सात साल आई थिंक सो पुराना ये कार्ड है, सात भी नहीं है, मतलब शादी से भी कई देर पहले कह लें, 8-9 साल पुराना मेरे पास ये पड़ा हुआ है, और ये मैंने अपने पास रखा हुआ है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे कार्ड दिया था, मेरी ना मेरी सिस्टर से फ़ाइट हो गई थी बड़ी वाली से, अन्ना मापी से ना मेरी,
तो उसका नाम अनम है, तो उससे मेरी फ़ाइट हो गई थी। और फिर उसने मुझे ना ये कार्ड दिया, साथ उसने मुझे चॉकलेट दी, साथ में ये एक लेटर लिखा और उसने मेरे कपड़ों में रख दिया। मैंने कहा वाह यार, जब मैं घर आई ना स्कूल से, मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए तो मैंने कपड़ों में ये पड़ा हुआ था, ये लेटर था, साथ में ये कार्ड था, साथ में चॉकलेट थी, तो मैं राजी बाजी हो गई। तो थैंक यू सो मच अनम आपी के आप मेरा इतना ख्याल रखती थी, अभी भी रखती हो, थैंक यू। ये भी मुझे एक कार्ड मिला है, ये मेरी फ्रेंड लाइबा ने मुझे एक दफ़ा भिजवाया था, ठीक है। वो हमारे साथ पढ़ती नहीं थी, पढ़ती थी पहले, लेकिन फिर वो दूसरे स्कूल में चली गई, तो फिर एक दफ़ा उसने मुझे कार्ड भिजवाया था, ये वाला, ठीक है। इस पर लिखा हुआ उसने, देखना, बेस्ट फ्रेंड लाइबा सोहा। और ये ना मुझे देखना, ये प्रिंसेस कहती होती थी मुझे ना, ये देखना, ये तो ये जी उसके उसके वाला कार्ड है, ये भी संभाला पड़ा हुआ, ये अलामा इकबाल स्कूल की कॉपी में ही मैंने ना जो है ना संभाल दिया हुआ था। लाइबा देखो तुम कितनी सोई हुई हो, तुम्हारी कॉपी मेरे पास है, लाइबा जावेद तुम्हारी कॉपी मेरे पास है, शर्म करो कुछ। मैं कहूँ यार ये कॉपी किसकी है, ये मेरी राइटिंग तो नहीं है, ये किसकी कॉपी है? लाइबा ये तुम्हारी कॉपी है मेरे पास, पता नहीं 8th क्लास की पड़ी हुई है कि 9th क्लास की पड़ी हुई है, ये बहुत पुरानी कॉपी है, 2013 की कॉपी है ये, आप लोग देख लो, ये सब की मेरे पास पड़ी है और इसके एंड में मैंने अपना रफ वर्क किया हुआ है। ये देखो ये ना गिफ्ट रैप है, ये मेरी फ्रेंड रहमा थी नहीं बल्कि है भी, अब उसकी शादी हो गई है, माशाल्लाह उसका बेटा भी है। तो ये उसने मुझे ये रैप बना के दिया था, गिफ्ट रैप बहुत खूबसूरत है। हम लोग तब मैट्रिक में थे, ठीक है, टेंथ में पार्ट टू में थे और मेरी बर्थडे थी और सब फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट्स दिए थे और सब ने मतलब बहुत हम सब ने इन्जॉय किया था। तो ये तब उसने मुझे जो है ना ये रैप पूरा बना के दिया था, इसके अंदर वाइन ग्लास था जिसके ऊपर लिखा हुआ था बेस्ट विशेज, रेड कलर का वाइन ग्लास था और वो अभी आज मैंने जो है ना नीचे भिजवाया, वरना मैं आप लोग को लाजमी दिखाती वो भी, तो इसके अंदर वो पैक था। और थैंक यू रहमा, मुझे आज भी तुम याद हो। ओके, तो ये मेरा 8th क्लास का टेस्ट है मेरे पास इस वक्त, ठीक है, और 8th क्लास का टेस्ट है मेरे पास और ये वो वाला टेस्ट है जिसमें मैंने बेहद चीटिंग की थी, बहुत ज़्यादा चीटिंग की थी और चीटिंग कर करके ये मैंने पूरा ऐसे लिखा था, मुझे कभी ऐसे याद नहीं हुआ कभी, मतलब अपने स्कूल के बाद जब कॉलेज लाइफ में पहुंची थी ना तब मुझे ऐसे याद हो जाता, स्कूल लाइफ में तो मुझे ऐसे लगता था जैसे पता नहीं मैंने कोई अजाब याद करना है, जो मुझे इतनी मुश्किल लगती थी और मैंने सारा ये चिटिंग से किया, कोई मिस्टेक भी नहीं है। देखो ये देखें, ये 2012 का लेटर है, ये मेरी फ्रेंड लाइबा ने लिखा था, क्योंकि वो मैंने बताया पहले भी कि दूसरे स्कूल चली गई थी तो वो ना इस तरह से लेटर्स वगैरह लिखती होती थी, तो ये 2012 का मैंने लेटर संभाला हुआ है, 8 नवंबर को ये उसने लिखा है और मुझे 9 नवंबर को मिला होगा क्योंकि नेक्स्ट डे उसकी सिस्टर या कोई कज़न आई थिंक सो दे देती थी हमें, तो ये तब का लेटर है मेरे पास। अच्छा, अब मुझे ना ये कुछ पिक्चर्स मिली हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, अगर मैं कर सकती होती तो मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करती। ये पिक्चर्स हैं मेरी फ्रेंड्स की हैं, पार्टीज़ वगैरह की और बस लास्ट डेज़ की, तो ये मैं ख़ुद देख के ख़ुद इंजॉय करती हूँ और फिर दोबारा से किसी मेमोरी के साथ आती हूँ। अच्छा, तो ये मैंने अपनी सारी अलमारी जो है यहाँ पर सेट कर ली है, आप लोग ये दूर से प्रीव्यू ले लो, ठीक है। ये जी मैंने सारी नीट एंड क्लीन कर दी है, यहाँ पे ये जो दो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये ब्यूटी बॉक्सेस, एक मेरी सिस्टर का है एक मेरा है, यानी कि हमने शादी है ना हमारी दोनों की माशाल्लाह से, तो ये एक उसका बॉक्स है, वो एक मेरा बॉक्स है, उसके अंदर सारी ज्वेलरी डालने, मेकअप डालने, जो आप डालना चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं अपनी सारी छोटी छोटी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे मैंने अपनी चूड़ियाँ रखी हैं, ये मेरे इन लॉज की तरफ से आती थी ईद वगैरह पे, तो वो मैंने ना ये पहनी ही नहीं है, ना ये पहनी है, ये मैंने फिर भी एक एक दफ़ा पहनी है, वो दोनों तो बिल्कुल नहीं पहनी, तो मैंने ना ये रख दी है, मैंने कहा चले अपने साथ ले जाएंगे, ये मायों पर पहन लूँगी अपने उपटन पर, मेरा ड्रेस भी इसी कलर का है उपटन के लिए ना। फिर इसके अलावा जब नेक्स्ट पे आते हैं तो यहाँ पे जी ये मेरा एक दफ़ा मैंने बहुत पहले आईफोन 5 यूज़ किया था, तो ये उसका पड़ा हुआ है बॉक्स मैंने रख दिया है, मैंने कहा ज़रा अगर मतलब
आगे पीछे कहीं करना हो तो कभी ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद ये मेरा एक चार्जर है और ये मैंने रखा हुआ है, मैंने कहा जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यूज़ कर लूँगी। मेरे अब्बा जान ने भेजा था तो मैंने रखा हुआ है कि जब खुदा न खास्ता मेरा चार्जर ख़राब होगा तो ये रिज़र्व पड़ा रहा है। उसके अलावा ये जंपिंग रोप है, ठीक है, वो रस्सी होती है ना फैलांगने के लिए, ये वो है, ये भी मेरे अब्बा जान ने भेजी थी, मैंने यहाँ पे रख दी हुई है। और इसके अलावा ये जी आयतल कुर्सी है, ये मेरी एक दफ़ा फ्रेंड है लाइबा जवेद, ठीक है, उसके अब्बू शायद बनाते थे या बनवाते थे, जो भी है ये देखें उसका उनका नाम भी लिखा हुआ है, उमर जावेद, अल्लाह ताला इनकी दर्जात बुलंद फरमाए, इनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। तो जी ये उसने मुझे दिया था आयतल कुर्सी का फ्रेम। अच्छा ये थोड़ा सा ना टूट गया हुआ है ये देखो, तो मैंने ना इसको इधर अंदर रख दिया। उसके अलावा जनाब साहब यहाँ पे इस साइड पे मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स मेरे पास पड़ी नहीं थी, ये मेरे अब्बा जान हैं जब आई थिंक जापान होते थे, ये तब की है। ये मेरा छोटा सा भाई है और ये भी मेरे अब्बा जान हैं। और ये परफ्यूम है यहाँ पे, ये ज्वेलरी बॉक्सेस रखे हैं, ये वॉच के लिए, ये मेरी फ्रेंड हाइका थी उसने मुझे एक दफ़ा वॉच दी थी कॉलेज में, तो मैंने वो तब का बॉक्स रखा हुआ है, वॉच भी पड़ी हुई है। ये बाकी मेरी अंदर छोटी छोटी सी ज्वेलरी है ये रखी हुई है। ये आपके फेस पे जो ऑयल आ जाता है ना उसको क्लीन करने के लिए, यानी इसके ऊपर आप रखेंगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपके फेस का ऑयल, तो ये मैंने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके अलावा इधर, हाँ ये हो गया। इसके अलावा नीचे आते हैं तो ये साइड पे मेरी सिस्टर है, उसको डायरी लिखने का बड़ा शौक था, उसने अपनी डायरीज रखी हुई हैं। ये कुछ मेरे पेपर्स हैं जो मैंने आप लोग को दिखाए, ये कुछ मेरी फ्रेंड्स के साथ मेमोरीज हैं वो रखी हैं, वो जो पीछे एनवलप्स आपको दिख रहे हैं ना ये मुझे मेरी इंगेजमेंट पर मिले थे मेरी मदर इन लॉ से, सिस्टर इन लॉ से सबसे, तो फिर उन्होंने वो भी संभाल के रखे हुए हैं। फिर ये कुछ फ्लावर्स वगैरह मिले हुए थे फ्रेंड्स से, फियांसे से, तो वो भी सारे संभाल के रखे हैं। तो ये जी मैंने अपनी अलमारी नीट एंड क्लीन कर दी है। इसके अलावा इस साइड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने ये कार्ड रखा हुआ है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे एक दफा दिया था, जैनब गुल ने, ठीक है, कोई गिफ्ट दिया होगा उसके ऊपर कार्ड लगा हुआ था, तो ये ना उसने मुझे मैरिज विशेस का दे दिया, तो मैं इतना हंस रही थी, मैंने कहा इसने मुझे कोई 5 से 6 साल पहले मैरिज विशेस दे दी हुई है, तो मैंने कहा अभी जब मेरी मैरिज होगी ना फिर इसको दिखाऊंगी कि तुमने मुझे क्या कब का दिया हुआ है। ये भी मेरी एक फ्रेंड है मरवा, आई थिंक सो मरवा, हाँ मरवा ने मुझे जो है ये कार्ड दिया था, ये भी रखा हुआ है जी। ये मेरी फ्रेंड आमना ने दिया था, गिफ्ट दिया होगा उसके ऊपर कार्ड था वो संभाला हुआ है। इसके अलावा ये मेरा एक मैंने लिया था चोकर टाइप, ठीक है, ये किधर गया, ये मेरी फ्रेंड है एक, उसने फ्रेंड नहीं सॉरी मैंने खुद अपनी सिस्टर की इंगेजमेंट पे ये छोटा सा चोकर लिया था। ये जो है एक ये पड़ी हुई है, ठीक है, ये मैं अक्सर पहनती हूँ ना, मुझे बहुत प्यारी लगती है, बड़े प्यारे स्टोन है इसके ना, ये देखो प्लम कलर का। तो जी बस ये हम थी मेरी पूरी वॉर्ड्रॉब का नीट एंड क्लीन किया, ये नीचे देख लो आप लोग सारा पत्तों का, फूलों का, सूखे फूलों का सारा जो है ना गंद पड़ा हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे पास डस्टबिन रख ली थी उसके अंदर मैं डालती जा रही थी, बट कोई बात नहीं। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।